आप सभी का स्वागत है राजनीति विज्ञान के इस YouTube चैनल में। हम लोग भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक यात्रा पर थे और इस यात्रा का प्रारंभ हमने 16वीं शताब्दी से किया था और दो महत्वपूर्ण पड़ाव हम लोग पार कर चुके हैं। एक था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इन दो महत्वपूर्ण पड़ाव के पश्चात हमारे जो मंजिल थी वो था 1793 का चार्टर एक्ट। लेकिन उससे पहले एक ये कहना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण हमारी एक रास्ते में रुकावट है, जिसे कहना चाहिए, या एक महत्वपूर्ण मोड़, जिसको अधिक प्रासंगिक होगा कहना, एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है और वो मोड़ है 1786 का संशोधन एक्ट, जो कि 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें ये संशोधन करता था। और ये जो संशोधन था ये बड़े महत्वपूर्ण रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम लोग इस संशोधन एक्ट के साथ ही साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो इतिहास है संक्षिप्त रूप से, क्योंकि हम लोग इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं और ना ही हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, किंतु इस एक्ट का जिन परिस्थितियों में संशोधन किया गया वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो चलिए 1786 के इस संशोधन के साथ साथ हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी था। ब्रिटेन में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ माना जाता था, सैन्य अधिकारी, तो एक बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखता था। अमेरिका के जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, अमेरिका का जो स्वतंत्रता की क्रांति थी, उस दौरान 1776 और 1783 के बीच में जब अंतिम रूप से अमेरिकी क्रांति समाप्त हुई पेरिस समझौते के माध्यम से, तो 1781 के दौरान जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो अमेरिका में ब्रिटिश आर्मी का जनरल था और 1781 के आसपास यॉर्क टाउन में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अमेरिकी क्रांतिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि आत्मसमर्पण करना एक तरह से वहाँ पर ये माना जाना चाहिए कि ब्रिटिश राज का अंत वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया था और उसके पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटेन वापस लौट आए। और क्योंकि उनकी सत्ता के गलियारों तक अच्छी पहुँच थी, वो स्वयं भी लॉर्ड सभा के सदस्य थे, तो ऐसी स्थिति में उनके जो कुछ मित्र थे वो ये चाहते थे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुनः महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और पद प्राप्त हो। और इसी के मद्देनज़र, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि उस समय शेल बुर्नी की सरकार हुआ करती थी, जो कि 1782 और 83 के बीच में रही थी, ये एक कमज़ोर प्रधानमंत्री थे और उनकी जो सरकार थी वो फॉक्स और नॉर्थ के समर्थन पर टिकी हुई थी। तो इस सेलबर्नी ने कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल का पद भारत प्रशासन के लिए कहा था, किंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उस समय इस पद के लिए स्वीकृति नहीं दी और उन्होंने इस पद के को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सेलबर्नी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री थे। जब नॉर्थ और फॉक्स ने इस सरकार से अपना समर्थन ले लिया तो ये सरकार गिर गई और उसके बाद में नॉर्थ और फॉक्स की जो सरकार थी, जो गठबंधन सरकार थी, वो अस्तित्व में आई और इस सरकार के ख़िलाफ़ वहाँ के जो उस समय के तात्कालिक सम्राट थे जॉर्ज तृतीय, वो इस नॉर्थ और फॉक्स की जोड़ी को पसंद नहीं करते थे और उनका जो झुकाव था वो विलियम पिट्स की तरफ था, जो उस समय विपक्ष में बैठा करते थे। किंतु नॉर्थ और फॉक्स, क्योंकि लोकतंत्र था ब्रिटेन में, तो वहाँ की क्राउन की, जॉर्ज थर्ड की ये मजबूरी थी कि वो नॉर्थ और फॉक्स को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें,
परंतु जॉर्ज तृतीय ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से ये सरकार अपने पद से हट जाए, और ऐसा मौका उन्हें मिला भी। और ये मौका नॉर्थ और फॉक्स के उस विधेयक के माध्यम से मिला, जिसमें वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो जाए। और वो ये चाहते थे, इस आशय का बिल भी उन्होंने प्रस्तुत किया था कि इस भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है वो 7 इंडिपेंडेंट कमिश्नरों के माध्यम से संचालित किया जाए। और इस हेतु उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल प्रस्तुत भी किया था, और उसे पारित कराने में सक्षम भी हुए थे, वो उसे पारित भी करा चुके थे। किंतु जब ये बिल लॉर्ड सभा में गया, तो क्योंकि मैंने जैसा पूर्व में कहा कि जॉर्ज तृतीय इन गठबंधन सरकार को फॉक्स की और नॉर्थ को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने अपने लॉर्ड सभा को एक तरह से संदेश भेजा कि जो इस बिल का समर्थन करेगा वो मेरा दुश्मन माना जाएगा, मेरा शत्रु माना जाएगा। तो इसका परिणाम ये हुआ कि ये जो मसौदा था, ये जो विधेयक था, जो कि हाउस ऑफ कॉमन से पारित हो चुका था, किंतु लॉर्ड सभा के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया, इसे अस्वीकार कर दिया गया। तो परिणाम स्वरूप जॉर्ज थर्ड को ये मौका मिल गया कि उन्होंने नॉर्थ और फॉक्स की सरकार को अपने पद से हटा दिया, और वो ऐसे मौके की तलाश में थे। अब उसके बाद में इस सीन में एंट्री होती है विलियम पिट्स द यंगर की। जब 1783 में उन्होंने पदभार ग्रहण किया, तो निश्चित रूप से विलियम पिट्स जो थे कॉर्नवालिस के मित्रों की श्रेणी में थे, उनका अच्छा संपर्क था। और उधर हेनरी डुंडस जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, उनका भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ अच्छा संबंध था। तो इन्होंने 1783 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुनः भारत प्रशासन की बागडोर सौंपने का प्रस्ताव दिया, किंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे बड़ी ही सहृदयता से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनके मन में कुछ और चीज़ थी, वो अधिक अधिकार चाहते थे। किंतु उस समय ये ब्रिटेन की संसद में के द्वारा उन्हें नहीं प्रदान किया गया। तो लगातार उसके बाद एक बार पुनः विलियम पिट्स ने कॉर्नवालिस को ये ऑफर दिया था, किंतु उन्होंने पुनः उसे अस्वीकार कर दिया। किंतु अंततः 1786 में, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ये चाहते थे कि अगर वो गवर्नर जनरल के तौर पर भारत प्रशासन को संभालें भारत आकर, तो उनको साथ ही साथ में कमांडर इन चीफ का भी पद चाहिए था। तो पहली बार उनकी इस मांग को विलियम पिट्स की सरकार ने स्वीकार किया, और 1786 का जो संशोधन था वो इसी कारण लाया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों ही पदों का कार्यभार भारत प्रशासन के संदर्भ में सौंपा जाए। क्योंकि जब इस संशोधन एक्ट के माध्यम से ये जो दोनों पद थे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपने की हामी भर दी गई, तो निश्चित रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और वो भारत के गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों ही पदों के साथ भारत में भारत का प्रशासन संभालने के लिए भारत आए। तो इस जो संशोधन एक्ट था, इसके दो ही प्रावधान महत्वपूर्ण हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल का पद एक ही व्यक्ति में इस एक्ट के माध्यम से, इस संशोधन एक्ट जिसे हम कहना चाहिए, केंद्रित कर दिया गया, और कॉर्नवालिस ने इसी शर्त पर इस पद को ग्रहण किया था। दूसरा, इस संशोधन के माध्यम से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस संशोधन एक्ट के माध्यम से लाया गया, जैसे आपको पहले विदित होगा, जैसे कि इस संशोधन में कहा गया है कि गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति भी प्रदान कर दी गई। इससे पहले हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कहा देखा था कि वो कास्टिंग वोट का अधिकार जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी था, लेकिन उस समय वॉरेन हेस्टिंग जो तात्कालिक गवर्नर जनरल थे वो उसका प्रभावकारी रूप से प्रयोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि परिषद में सदस्यों की संख्या 4 थी। किंतु पिट्स इंडिया एक्ट में ये 3 कर दी गई, और उस स्थिति में कास्टिंग वोट का प्रयोग गवर्नर जनरल अधिक प्रभावी रूप से कर सकता था। किंतु जब 1786 का ये जो संशोधन अधिनियम आया, इसमें स्पष्ट रूप से इस बात को
रेखांकित कर दिया गया कि गवर्नर जनरल चाहे तो परिषद के जो निर्णय थे उनको ओवरराइड कर सकता था और उनको रद्द करके अपने निर्णयों को लागू कर सकता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉर्नवालिस के विशेष व्यक्तित्व के कारण 1786 का ये संशोधन एक्ट, पिट इंडिया एक्ट के लिए लाया गया और इसमें कॉर्नवालिस को अभूतपूर्व शक्ति दी गई। कॉर्नवालिस जैसे कि आप सब जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। जब वो भारत आए तो उन्होंने न्यायिक, प्रशासनिक और राजस्व तीनों ही क्षेत्रों में बहुत से संशोधन लागू किए, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की जो व्यवस्था थी उसको अधिक स्पष्ट रूप से और अधिक व्यवस्थित रूप से लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाता है, तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो 1793 के चार्टर एक्ट के ऊपर लेकर आएंगे और बहुत जल्दी हम आपके समक्ष पुनः चार्टर एक्ट 1793 जो कि एक अगला पड़ाव है हमारे संवैधानिक विकास का उसके साथ आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।